चेतावनी दी है कि चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अब तुम जैसे धूर्त लोग ये तय नहीं करेंगे कि हनुमान जी भगवान थे कि भक्त। तुम पर हनुमान जी का घोटा जिस दिन पड़ेगा उस दिन तुम्हें अपना बाप दादा याद आएंगे। साथ ही संस्कृत बचाओ मंच ने मनोज मुंतशिर को चेतावनी भी दी। संस्कृत बचाओ मंच ने अगर कहा कि अगर आदि पुरुष के निर्माता कहीं भी प्रदेश में नजर आते हैं तो उन्हें जूतों की माला पहनाकर गधे पर घुमाया जाएगा। आदि पुरुष के जिन्होंने डायलॉग लिखे मनोज मुंतशिर, मुझे लगता है कि उनका दिमाग जो है वो खराब हो गया है और उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। पहले तो आपने डायलॉग फिल्म में इस प्रकार से लिखे कि जिसका कि पूरे देश में विरोध हो रहा है, ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की राम की रामचरितमानस पर फिल्म बनाकर, रामायण बनाकर और इस प्रकार के भोंडे डायलॉग देकर आपने हमारे हिंदू समाज को आघात पहुंचाने का काम किया है। दूसरा, आप कह रहे हो कि हनुमान जी महाराज भक्त थे, भगवान नहीं, तुम निश्चित करोगे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारे पिता का भी हमको पता करना पड़ेगा कि शायद तुम ब्राह्मण हो भी कि नहीं हो। मैं संस्कृति बचाओ मंच पूरे देश में ये मांग कर रहा है और मध्य प्रदेश में अगर मनोज मुंतशिर आएंगे तो जूते की माला पहनाकर उनको गधे पर घुमाया जाएगा। वहीं पीएम मोदी के एलन मस्क के मुलाकात पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में खड़ा है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने भी मोदी की प्रशंसा की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कश्मीर से धारा 370 समाप्त की, एक ऐसा व्यक्ति 35 और लद्दाख को आजाद किया, ट्रिपल तलाक लाया, CAA लाए, रात दिन मोदी जी के नेतृत्व में जो प्राण पड़ से भारत माता की सेवा में लगा है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट आ गए। सभी आमजन और कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछा के उनकी आगवानी को तैयार। कांग्रेस वालों, आज तो आपकी चलिए ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने तारीफ कर दी मोदी जी। समूचा विश्व आज मोदी जी के सम्मान में खड़ा है। ये होती है हर भारतीय के वोट की ताकत और ये होते हैं वैश्विक नेता, जिससे आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कभी ऑटोग्राफ मांगना, कभी रेड कारपेट बिछाकर अमेरिका में, और वास्तव में वो दृश्य जब आ रहा था सामने, और एक वो थे आपके नेता जो विदेश गए कांग्रेस के नेता, तो कोई दिन ऐसा नहीं रखा जब भारत की छवि गिराने का प्रयास नहीं किया। और एक मोदी जी है जो भारत के स्वाभिमान को और सम्मान को बढ़ाने के लिए आपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी की यात्रा पर, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जल के बोल रहे हैं और इस जलन के लिए तो बर्नौली भेजा जा सकता है। सवेरे से एक बड़ा नेता कहीं योग में नहीं दिखा और अब ये इसलिए आप जैसा बता रहे हो कि है, तो वो इसलिए होगा कि 10:30-11 बजे पाखंड कर ले। एक बड़ा नेता उसमें भी नहीं दिखेगा, मैं पहले से एडवांस आपको बता रहा हूँ। न माननीय प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, न कमलनाथ जी, न दिग्विजय सिंह, एक भी नहीं मिलेगा आपको। जो ये भारतीय संस्कृति के अब 180 देश इसको अंगीकार और स्वीकार कर रहे हो, उससे भी इनको एलर्जी है। मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ गए, संस्कृति के विरोध पे आ गए, सभ्यता के विरोध पे आ गए, संस्कारों के विरोध पे आ गए। ये कांग्रेस है। देखो, शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है तो दिग्विजय सिंह को दिक्कत होगी ही, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह शांति दूत जाकिर नायक को मानते हैं और वो चाहते हैं कि ISI में किसी को शांति पुरस्कार मिल जाए, गीता प्रेस को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो गीता छापती है। PFI को मिल जाए, गीता प्रेस को नहीं मिले क्योंकि वो रामायण छापती है।
वो धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं के ग्रंथ छापती है, इसलिए इनको शांति पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, जाकिर नायक जी को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ऐसा दिग्विजय सिंह जी का स्वभाव है, सनातन का विरोध करना, भारतीय संस्कृति का विरोध करना। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नई जेल महानिदेशक अरविंद कुमार, एडीजी अशोक अवस्थी और दूसरे अधिकारियों के साथ योग दिवस के अवसर पर योग किया और 180 देशों के साथ योग कर रहे पीएम मोदी को बताया कि ये विश्व गुरु बनने जैसा है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि की सोच, आज 180 देश इस योग दिवस पर एकत्र, ये भारत के विश्व गुरु बनने जैसा एक कल्पना है। स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का निवास होता है, स्वस्थ मन के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और सभी स्वस्थ हों तो हमारा राष्ट्र समृद्ध होता है। मन की शांति के लिए, देश की समृद्धि के लिए ये योग दिवस एक ऐसा आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को दिया है, जो सारे विश्व ने अंगीकार किया और स्वीकार किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी की। वहीं भिंड जिले में सर्वाधिक गोहद और मेहगांव की पंचायतों में बिल पेंडिंग, कुल बजट का 70% भुगतान इन्हीं जिलों में करने की तैयारी है, जबकि सबसे अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें और उन शिकायतों पर जांच इन्हीं जिलों में चल रही है। नियम के मुताबिक जिन पंचायतों के खिलाफ शिकायतें हैं उनका भुगतान नहीं किया जा सकता, जिनके ऊपर वसूली के प्रकरण संचालित हों उनका भुगतान नहीं किया जाता। वहीं बिजनौर से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जहां थाना रेहड़ के NH 74 मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक ऑटो से जा भिड़ी। इस दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो सवार 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें PHC में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर भी बिजनौर से है, जहां थाना रेहड़ के सादकपुर इलाके में बाल्टी में डूबने से मासूम की मौत हो गई। मासूम अपने मां बाप की इकलौती संतान बताया जा रहा है। इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दुनिया भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में जवानों से लेकर आम लोगों ने योग अभ्यास किया। आपको बता दें कि इस मौके पर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भी योग किया था, साथ ही योग के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विशेष वर्ग को योग से दूर रखना सांस्कृतिक आतंकवाद जैसा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दल हर उस विषय का विरोध करते हैं जो देश के दर्शन और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये मुझे आश्चर्य है, खासकर वामपंथी और कांग्रेस के लोग हर उस विषय में विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं जो इस देश के दर्शन से जुड़ा है, इस देश की संस्कृति से जुड़ा है। ये उनकी तुष्टिकरण की नीति हो सकती है, पर वो जिन वर्गों को योग से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ये उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन सभी वर्गों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योग कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे स्वास्थ्य वर्धन के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उत्कर्ष के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। तो जो इससे दूर रहेगा वो खुद नुकसान में रहेगा। और हर समय इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस और वामपंथियों ने एक वर्ग विशेष को देश की संस्कृति से दूर करने की कोशिश की है। व
वहीं आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोटला रोड स्थित हनुमान जी मंदिर पर हनुमान चालीसा का एक कार्यक्रम रखा। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित लगभग 500 लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हर मंगलवार के दिन फिरोजाबाद में जगह जगह हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह योग शिविर का आयोजन किया गया। लोगों ने योग में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इसी कड़ी में कानपुर देहात में भी पुलिस लाइन स्थित स्पोर्ट स्टेडियम में यूपी के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने केंद्र की मोदी सरकार और उनकी योजनाओं के साथ साथ उनकी उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को बताया और सरकार की जमकर इस दौरान तारीफ की। अंतर्राष्ट्रीय नवा योग दिवस है जो कि हम लोग योग मना रहे हैं, जिससे हमारा शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है और आत्मा भी स्वस्थ रहती है। ये हमारी ऋषि मुनियों ने जो हमें पहचान दी थी उसको वैश्विक पहचान देने का काम हमारे मोदी जी ने किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जो अब की बार 18 से लेकर 21 तारीख तक मनाया जा रहा है। योग करने से हम सभी स्वस्थ रहते हैं। कोविड काल में भी योग ने ही एक दवा का रूप दिया और हमारे सभी लोगों को स्वस्थ करने का काम किया। इससे अस्थमा जैसी बीमारी तो असाध्य बीमारी है, इससे निजात पाया जा सकता है। और बहुत अच्छा है कि हम रियाज करें। योग करने से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को इतना प्रखर बना लेते हैं, हम दूसरों के मन की बात भी जान सकते हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं हम ये भी जान सकते हैं, यदि हम अपनी योग शक्ति को बढ़ा लें। मेहलत देने के बहाने बोलेरो सवार बदमाशों ने असलहे के दम पर बुजुर्ग सहित दो लोगों से लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला गदागंज क्षेत्र का है, जहां पर बुजुर्ग हाजी मोहम्मद इदरसी उचाहर कोतवाली क्षेत्र के जालौसी गांव से अपने रिश्तेदार के वहां से वापस अपने घर जा रहे थे। बस स्टॉप पे वो इंतजार कर रहे थे बस का, तभी बोलेरो गाड़ी आकर बुजुर्ग के बगल में रुकी, जिसमें दो लोग पहले से ही बैठे थे। बोलेरो सवार लोगों ने उन्हें घर छोड़ने की बात कहकर गाड़ी में बिठाया, साथ ही दो अन्य यात्रियों को भी गाड़ी में बिठाया और आगे चलकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। मैं गया था कल जतौली ससुराल, तो वहाँ से आज वापस जा रहा था घर, तो वहाँ से मनव के ड्राइवर पकड़ा गया टेम्पू, तो यहाँ आया बस स्टॉप, तो यहाँ बस स्टॉप पे जो है खड़ा था, एक बोलेरो वाला आया, बोला कहाँ जा रहे हैं, बोला मतीनगंज जाना है, बोला बैठ जाओ, तो मैं था और दो व्यक्ति और बैठे, तो पहले पीछे बिठाया था, फिर उसके बाद फिर इसके ऊपर ले गया, बोला आगे बैठ जाओ, तो आगे बैठाया, फिर जो है मेरा पैसा ऐसा जो है कुछ हथियार दिखाया, हथियार दिखा के पैसा मेरा भी ले लिया, 35-37 हज़ार रुपये था, और भी रहा होगा 35 हज़ार तो कैश था, बाकी और याद थी उसमें कितना पहले से रखा था, और जो दूसरा व्यक्ति था उसका भी 2500 रुपये ले लिए, लेके वही ब्रिज के ऊपर उतार दिए और लोग गाड़ी लेके भाग गए। वही 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पानीपत में योग अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया। वही दुनिया भर के साथ रेवाड़ी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया और लोगों को योग दिवस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि योग सेहत के लिए बेहद जरूरी है। और सारे विश्व ने इस चीज़ की बात मानी है कि ये उत्पन्न भारत के अंदर हुआ था, तो हमारी चीज़ हमारे को दोबारा से लौटा करके दे दी जो गई है, तो ये भारत सरकार की देन और हमारे प्रधानमंत्री की देन है। स्वस्थ रहने के लिए कई लोग कहते हैं कि भाई योगा रिलीजन से जुड़ा हुआ है,
तो ये तो सेहत तो सभी रिलीजन चाहते, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, जैनी हों, सभी को इसको अपनाना चाहिए। और आज के दिन जिस तरह से सारे देश के अंदर, तो क्या सारे विश्व के अंदर योगा दिवस मनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि लोगों की सेहत बेहतरीन होगी। प्रदेश भर में भाजपा की रैलियाँ चलती है 2024। देखो रैलियाँ तो इस महीने पार्टी के कार्यक्रम के तौर के ऊपर चली रही हैं। आपको ध्यान हो इलेक्शन संपन्न होने के बाद, ये जो दूसरी टर्म आई है हमारी सरकार की, तो कोविड आ गया था और कोविड आने की वजह से लोगों से मुलाकात वगैरह कम हुई, तो धीरे धीरे अब लोगों का डर खुल गया है कोविड से और जलसे जुलूस होने लग रहे हैं। हमारी पार्टी हमेशा पहल करती है। तो वहीं समराला के नगर परिषद मैदान में शहर के लोगों ने योग किया और इस दौरान डॉक्टर संजय कपूर ने मीडिया से योग के महत्व के बारे में बात करते हुए कहा कि सभी को हर दिन 20 से 25 मिनट योग करना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ रहे। योग करने से मनुष्य का जो शरीर है वो रोगों से बचा रहता है। हमें योग को अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। जड़ा है सारी दुनिया में योग दिवस से वो जो मनाया जाता है, जेड़ा कि अपनी जिंदगी दी सेहत वास्ते, मेंटल बैलेंस वास्ते, स्पिरिचुअल बैलेंस वास्ते ते चंगी सेहत लई बहुत जरूरी है, जेड़ा करके सारी चीजां दा बैलेंस जेड़ा है बॉडी विच बनता है। अज 21 जून योगा दिवस मनाया जा रहा है। ये बहुत वधिया उपराला है। सारे इंडिया दे विच, सारे संसार दे विच योगा दिवस मनाया जा रहा है। सारे ऋषियां मुनियां द्वारा ये करवाया जांदा सी, जो कि अज दे ਦੇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ वहीं पुलिस प्रशासन से इंसाफ न मिलने से परेशान तलवंडी साबो में एक व्यक्ति ने जहरीली वस्तु खाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के दौरान वीडियो भी सोशल मीडिया पर बनाई गई। चार लड़कियों का पिता परमजीत सिंह पुलिस प्रशासन द्वारा इंसाफ ना मिलने की वजह से परेशान था। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने मृतक की एक लड़की पड़ोस में रह रहे एक युवक के तौर पर कथित तौर से भाग गई थी। पुलिस ने इस मामले में लड़के के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की और ना ही लड़की को खोज कर वापस लाया गया, जिससे परेशान होकर पिता ने आत्महत्या कर ली। परमजीत सिंह जो है जो उन्होंने पर्चा दर्ज करवाया गया सी। केस की जी है माइनर लड़की को चरणजीत सिंह नाम का लड़का जो है इन्होंने महल के वो लै गया तो संबंध से पुलिस ने एफ आई आर दर्ज करके तफ्तीश शुरू करती सी। तो इन्हों ले जाके भी रेड किए पर दोषी जो है नहीं मिलया तो ना ही लड़की मिली सी। दूसरे पास अज जो है परमजीत सिंह वालों जो है कोई जहरीली दवाई पा के अपनी जी है वो सुसाइड कर लिया गया। तो इन्हों परिवार का दोष है कि जिहड़े चरणजीत सिंह के परिवारक मैंबर से बलतेज सिंह भाई गुरदेव कौर की माता तो उन्होंने गुआढ़ी एक कोई साबक एम सी गुरचरण सिंह है, ये 7-8 बंदे जोड़े है उन्होंने जान बुझ के नजायज़ परेशान करते सी। तो इस करके जोड़ा है उन्हें इन्हों तो मजबूर होकर आत्महत्या की है। तो ये मामला है ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਹੂ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਭਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਣਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੇਬ ਬੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸਪਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।